हेलो एवरीवन, अगर आपको भी इस तरह के वीडियो बनाना है जिसमें आप दीवार में पंच मार रहे हैं और दीवार क्रैक हो जाता है, फिर दीवार क्रैक होने के बाद आप दीवार के अंदर चल जाते हैं, कैसे होता है वो मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके लिए आपको सबसे पहले थोड़ी सी एक्टिंग कर लेनी है। उसके बाद आगे क्या करना है वो मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन में जाने का है। इसमें आपको प्लस का आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। फिर इसमें आपको एस्पेक्ट रेशियो पूछ रहा है, आपको किस साइज का वीडियो क्लिप बनाना है आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, आपको मीडिया में जाना है। फिर आपने जो भी वीडियो रिकॉर्ड किया है उसको सेलेक्ट कर लेने का है। मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट। सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको स्टार्टिंग का पार्ट और एंडिंग पार्ट जो भी रहेगा, जो खराब पार्ट है उसको आप ट्रिम कर सकते हैं। मैं कर लेता हूँ ट्रिम जल्दी से। ट्रिम करने के लिए आपको इस वीडियो क्लिप को सेलेक्ट करना है, फिर ट्रिम में क्लिक करना है। फिर अगर आपको लेफ्ट साइड का ट्रिम करना है तो आपको पहले वाला ऑप्शन में क्लिक करना है, ओके कीजिए। आपको आगे वाला पार्ट को भी ऐसे ही ट्रिम कर देना है, आप चाहे तो ट्रिम कर सकते हैं। ओके, मैं कर देता हूँ थोड़ा, इसको ट्रिम कीजिए। फिर आपको राइट साइड वाला में ट्रिम करना है, उसके लिए आपको सेकेंड वाला ऑप्शन में क्लिक करना है, फिर ओके कर दीजिए। ये होने के बाद आप चाहे तो ये कलर में भी कर सकते हैं, मैं इसको लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट में करना चाहता हूँ। उसका क्या रीज़न है वो मैं बाद में बताऊँगा, पहले आप देख लीजिए। इसको सेलेक्ट कीजिए, कलर फिल्टर में जाता हूँ, ये ब्लैक एंड व्हाइट का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए। ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, ओके कर दीजिए। ये ब्लैक एंड व्हाइट होने के बाद आपको यहाँ पे देखना है कि आपने पंच कब मारा है। देखिए, आपने ये पंच मारा अभी, ठीक है। यहाँ पर सेट हो जाने के बाद आपको पहले लेयर में जाने का है, फिर मीडिया में जाने का है। मीडिया में जाके आपको वॉल क्रैक का ग्रीन स्क्रीन मिलेगा, वो आपको सेलेक्ट कर लेने का है। उसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। ये सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको इसको थोड़ा सेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप पहले थोड़ा सा आगे बढ़ा के देखेंगे कि इसका लाइन यहाँ से आ रहा है। तो इसके लिए आपका ये पंच जहाँ पे है आपको यहाँ पे ये रखना पड़ेगा। पहले थोड़ा छोटा कर दीजिए इसको, ताकि पूरा दीवार दिखे। उसमें पंच यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे सेट कर दीजिए। सेट हो जाने के बाद आपको इसको क्रोमा की करना पड़ेगा। तो क्रोमा की करके सेट कर लेता हूँ, इनेबल कर दीजिए। इसके बाद अगर आपको सेट करना है तो थोड़ा आगे बढ़िए, आपको थोड़ा समझ आएगा उसी जल्दी। ये क्रोमा की कर दीजिए, ठीक है। ये मैंने इसका क्रोमा की कर दिया है। अभी आपको इसको ओके कर देने का है। क्रोमा की करने के बाद आपको अपने वीडियो क्लिप को यहाँ लाना है। यहाँ लाने के बाद आपको ये जो मेन ओरिजिनल वाला वीडियो है उसको सेलेक्ट करना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको इसका कैप्चर लेना पड़ेगा। मैं कैप्चर ले लेता हूँ। ये वाला आपको ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। सबसे पहला वाला ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए। ये आपका कैप्चर जो है आपका गैलरी में सेव हो चुका है। इसके बाद आपको इसका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा रिमूव करना है। उसके लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, वो एप्लीकेशन का लिंक भी मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको ये बैकग्राउंड इरेजर वाला एप्लीकेशन है, उस पर जाना है। उसमें जाते ही आपको ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। आपका ये जो लोड फोटो करके ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। ये ओपन होने के बाद जो सबसे पहला वाला है उसको ही आपको क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर डन करना है। फिर यहाँ पर आप ये इरेजर को थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। बड़ा हो जाने के बाद आप इसको यहाँ से हिला के इसको थोड़ा मिटा सकते हैं। देखिए, मैं मिटा देता हूँ। ये सब से मिटा देना है, जितना हो सके आपका मिटना है, मिटाना हो तो मिटा दीजिए इतना। मिट जाने के बाद बाई चांस आपसे कुछ गलती हुआ तो आपको ये रिपेयर में क्लिक करना है। रिपेयर में क्लिक करने के बाद आप इसको यहां से ये ला थोड़ा रिपेयर करना तो रिपेयर कर सकते हैं, हल्का सा ये रिपेयर कर सकते हैं। वापस आपको हटाना है तो आप उसको वापस हटा दीजिए, क्योंकि मैं हटा देता हूँ उसको। इतना बाद मेरे को हटाना है। ये सब चीज़ हो जाने के बाद आपको यहाँ पे डन कर देना है। उसके बाद जो भी आपने इरेज किया हुआ है वो आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। मैं हम लोग वापस अभी काइन मास्टर में जाते हैं।
लाइन मास्टर में आने के बाद इसको पहले यहाँ पे ओके करना है। इसके बाद यहाँ आपको लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद आपको मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपने उस एप्लीकेशन से जो भी अभी रिमूव किया है उस कैप्चर को अभी सेलेक्ट करना है। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ सेकंड वाले ऑप्शन में जाने का है। इस पर आपका ये वाला स्प्लिट स्क्रीन, ये सेकंड वाले ऑप्शन में जाइए और इसको ओके कर दीजिए। ओके होने के बाद इसको प्ले करके देखिए। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कलर चेंज लग रहा होगा। इसके लिए मैंने अपना जो वीडियो क्लिप है उसको थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट किया ताकि वो थोड़ा कम शो हो। आप चाहे तो इसको कलर में भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कलर थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको वॉल क्रैक का साउंड चाहिए, साउंड इफेक्ट चाहिए रहेगा, तो मैं साउंड इफेक्ट भी डाल देता हूँ ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। और उस साउंड इफेक्ट का लिंक भी मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहे तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पहले में आना है, थोड़ा पहले में आ जाइए जहाँ पे आप पंच मार रहे हैं। फिर ऑडियो में जाइए और उस साउंड इफेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। साउंड इफेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप इसको एक बार प्ले करके देखिए। मैं प्ले करके देखता हूँ। आपका ये वीडियो बन के रेडी हो गया है। अब आपको शेयर बटन में क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा। फिर आप अपने हिसाब से, अपने वीडियो के क्वालिटी के हिसाब से आप उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।